रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। फर्स्ट ईयर आपके बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 6 का लेक्चर नंबर 11 है और टॉपिक है बेटा आपका कंट्रोल ऑफ बैक्टीरिया। तो स्टार्ट करते हैं टॉपिक कंट्रोल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। बैक्टीरिया भी क्या होते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। सो कंट्रोल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज एसेंशियल इन होम, इन इंडस्ट्री एज वेल एज इन मेडिकल फील्ड्स। ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक है, इनका कंट्रोल बड़ा ज़रूरी होता है, होम के अंदर भी, घरों के अंदर भी, इंडस्ट्री कारखानों के अंदर भी और मेडिकल फील्ड्स के अंदर भी इनका कंट्रोल बड़ा ज़रूरी होता है। अच्छा, कंट्रोल करके हम करेंगे क्या? बाई कंट्रोलिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म वन कैन प्रिवेंट एंड ट्रीट डिजीजेज। जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म कंट्रोल हो जाएंगे तो हम जो डिज़ीज़ है उससे अपने आप को बचा भी सकते हैं या फिर उसका इलाज भी कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा स्पाइलेज ऑफ द फूड, खुराक का ख़राब हो जाना, स्पाइलेज ऑफ फूड का मतलब खुराक का ख़राब हो जाना, एंड अदर इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स कैन बी इनहिबिटेड बाय कंट्रोलिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अगर हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कंट्रोल कर लेते हैं तो हमारी जो खुराक है वो स्पाइलेज से बच जाएगी, गंदा होने से, ख़राब होने से बच जाएगी, और जो दूसरे इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट हैं वो भी स्पाइलेज से बच जाएंगे। माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन बी कंट्रोल बाय वेरियस मेथड्स। माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम मुख्तलिफ मेथड से कंट्रोल कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम जस्ट दो मेथड देखेंगे, एक फ़िज़िकल मेथड देखेंगे और एक देखेंगे केमिकल मेथड। सबसे पहले हम देखेंगे फिज़िकल मेथड। ये एक मेथड है जिसमें आप माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कंट्रोल करते हो। सो स्टार्ट करते हैं फिज़िकल मेथड ऑफ कंट्रोलिंग बैक्टीरिया और कंट्रोलिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इन दिस स्टीम, ड्राई हीट, गैस, फिल्ट्रेशन एंड रेडिएशन आर यूज्ड टू कंट्रोल बैक्टीरिया। बैक्टीरिया को कंट्रोल करने के लिए फिज़िकल मेथड में आप स्टीम इस्तेमाल करते हो, ड्राई हीट इस्तेमाल करते हो, गैस इस्तेमाल करते हो, फिल्ट्रेशन का अमल इस्तेमाल करते हो और रेडिएशन इस्तेमाल करते हो। सो अगर आपसे कोई एमसीक्यू पूछता है कि एक ऐसा मेथड है जिसमें बैक्टीरिया को कंट्रोल किया जाता है स्टीम के ज़रिए, ड्राई हीट के ज़रिए, गैस के ज़रिए, फिल्ट्रेशन के ज़रिए और रेडिएशन के ज़रिए, कौन सा मेथड है? आप कहेंगे सर फिज़िकल मेथड है। आगे, द प्रोसेस इन विच वी यूज़ फिज़िकल एजेंट्स टू कंट्रोल बैक्टीरिया और माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज़ नोन एज स्टेरलाइजेशन प्रोसेस। अब स्टेरलाइजेशन की तारीफ है, स्टेरलाइजेशन का प्रोसेस क्या होता है, ठीक है। स्टेरलाइजेशन का वैसे तो मतलब जो होता है ना, इट इज़ द डेथ, स्टेरलाइजेशन इज़ द डेथ ऑफ ऑल टाइप, ऑल फॉर्म ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। हर किस्म के माइक्रो ऑर्गेनिज्म की मौत को स्टेरलाइजेशन कहते हैं। यहाँ पे जो तारीफ़ की गई है उसकी, यहाँ पे जो तारीफ़ की है वो देखते हैं। द प्रोसेस इन विच वी यूज़ फिज़िकल एजेंट टू कंट्रोल बैक्टीरिया और माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ऐसा प्रोसेस जिसमें हम क्या इस्तेमाल करते हैं? फिज़िकल एजेंट्स। ये सारे ऊपर वाले फिज़िकल एजेंट्स हैं, ठीक है, ये ऊपर वाले सारे क्या हैं बेटा? फिज़िकल एजेंट्स हैं। सो ऐसा प्रोसेस जिसमें हम इन फिज़िकल एजेंट को इस्तेमाल करते हैं, किसके लिए इस्तेमाल करते हैं? टू कंट्रोल बैक्टीरिया और टू कंट्रोल माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज़ नोन एज स्टेरलाइजेशन प्रोसेस। इट इज़ द डिस्ट्रक्शन ऑफ ऑल लाइफ फॉर्म, कह भी दिया उसने, इट इज़ द स्टेरलाइजेशन इज़ द डिस्ट्रक्शन ऑफ ऑल लाइफ फॉर्म। जितने भी जानदार होते हैं, जिस किस्म की भी ज़िंदगी होती है, उस सब की डिस्ट्रक्शन को स्टेरलाइजेशन कहते हैं। ये एमसीक्यू आ सकता है, द डिस्ट्रक्शन ऑफ ऑल फॉर्म ऑफ लाइफ इज़ कॉल्ड स्टेरलाइजेशन। अब देखते हैं कि मुख्तलिफ फिज़िकल एजेंट होते हैं, वो मुख्तलिफ फिज़िकल एजेंट किस तरह माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कंट्रोल करते हैं। सबसे पहले हाई टेम्परेचर है बेटा, सबसे पहले क्या है? हाई टेम्परेचर क्या करता है? इज़ यूजुअली यूज्ड इन द माइक्रोबायोलॉजिकल लैब फॉर कंट्रोल ऑफ माइक्रोब। हम हाई टेम्परेचर का इस्तेमाल करते हैं किसके अंदर? माइक्रोबायोलॉजिकल लैब्स के अंदर। किसके लिए? टू कंट्रोल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म या माइक्रोब एक ही बात है। माइक्रोब को कंट्रोल करने के लिए माइक्रोबायोलॉजिकल लैब्स के अंदर हम क्या इस्तेमाल करते हैं?
हाई टेम्परेचर इस्तेमाल करते हैं। अब इस हाई टेम्परेचर में क्या इस्तेमाल होती है, बहुत ड्राई हीट एज वेल एज मोस्ट हीट आर इफेक्टिव। उसमें ड्राई हीट, खुश्क हीट भी आप यूज़ कर सकते हो, मोस्ट हीट उसको भी यूज़ कर सकते हो, वो भी इफ़ेक्टिव होती हैं फॉर द कंट्रोल ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब अलग अलग तरीके से काम करेंगे, ड्राई हीट का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन और होगा, मोस्ट हीट का काम करने का तरीका और होगा। सबसे पहले मोस्ट हीट कॉजेज द कोएगुलेशन ऑफ द प्रोटीन्स एंड किल माइक्रोब्स। जो मोइस्ट हीट होगी, याद रखना एमसीक्यूज हैं ये सारे, मोइस्ट हीट क्या करेगी, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अंदर जो प्रोटीन होगी उसकी कोएगुलेशन करेगी, उसको जमा देगी, जम जाएगी प्रोटीन। सो मोइस्ट हीट कॉजेज द कोएगुलेशन ऑफ द प्रोटीन, और जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म की प्रोटीन कोएगुलेट कर जाती है तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म किल हो जाता है, मर जाता है, ठीक है। सो मोइस्ट हीट याद रखना बेटा कोएगुलेशन ऑफ प्रोटीन करती है, और जब प्रोटीन की कोएगुलेशन हो जाती है माइक्रो ऑर्गेनिज्म मर जाता है। सो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अंदर जो प्रोटीन होगी मोइस्ट हीट उसकी कोएगुलेशन कराएगी, जैसे ही उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म की प्रोटीन की कोएगुलेशन करा देगी मोइस्ट हीट, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म मर जाएगा। अब ड्राई हीट क्या करती है, ड्राई हीट कॉजेज ऑक्सीडेशन ऑफ द केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द माइक्रोब्स एंड किल देम। याद रखना ड्राई हीट ऑक्सीडेशन, ड्राई हीट ऑक्सीडेशन, मोइस्ट हीट कोएगुलेशन ऑफ प्रोटीन, मोइस्ट हीट कोएगुलेशन ऑफ प्रोटीन, जबकि ड्राई हीट कॉजेज ऑक्सीडेशन ऑफ द केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स और केमिकल कंपोनेंट और केमिकल पार्ट्स ऑफ द माइक्रोब एंड किल देम। कि जो ड्राई हीट होती है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के जो केमिकल कंपाउंड होते हैं, केमिकल कंपोनेंट होते हैं, उनकी क्या करवा देती है, ऑक्सीडेशन। सो ड्राई हीट माइक्रो ऑर्गेनिज्म के जो केमिकल कंपोनेंट होते हैं, यानी कि जिन चीज़ों से वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म बना होता है, जिन केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट से वो बना होता है, ड्राई हीट उसकी ऑक्सीडेशन कराती है। जैसे ही उन केमिकल कंपोनेंट्स की, केमिकल पार्ट्स की ऑक्सीडेशन करवा देगी ड्राई हीट, माइक्रो ऑर्गेनिज्म मर जाएगा। आगे चलें, सर्टेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बिलो 300 नैनोमीटर आर इफेक्टिव इन किलिंग ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। रेडिएशन भी होती हैं बेटा, और वो जो रेडिएशन होती हैं उनकी वेवलेंथ क्या होनी चाहिए, 300 नैनोमीटर से क्या होनी चाहिए, बिलो होनी चाहिए। फिर ये वाली वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जिनकी वेवलेंथ 300 नैनोमीटर से बिलो है वो भी बड़ी इफ़ेक्टिव होती हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मारने में। गैमा रेज इन जनरल यूज्ड फॉर स्टेरलाइजेशन प्रोसेस। आमतौर पर कौन सी रेज इस्तेमाल करते हैं इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में से, आमतौर पर आप कौन सी रेज इस्तेमाल करते हो बेटा, गैमा रेज रेडिएशन आप इस्तेमाल करते हैं। सो गैमा रेज रेडिएशन दे आर इन जनरल, दे गैमा रेज रेडिएशन इन जनरल यूज्ड फॉर स्टेरलाइजेशन प्रोसेस। सो स्टेरलाइजेशन प्रोसेस के आमतौर पर कौन सी रेज इस्तेमाल होती हैं, गैमा रेज इस्तेमाल होती हैं। अब आगे चलते हैं, हीट सेंसिटिव, ये भी एमसीक्यूज है आपका, हीट सेंसिटिव कंपाउंड लाइक एंटीबायोटिक्स, सीरास, हार्मोन्स और एंटीबॉडीज, एंटीबॉडीज, ओके, इन चीज़ों को आप क्या कर सकते हो, स्टेरलाइज कर सकते हो, किसके ज़रिए, मेम्ब्रेन फिल्टर्स के ज़रिए। बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, ठीक है बेटा, के कुछ कंपाउंड्स होते हैं जो कि क्या होते हैं, एमसीक्यूज, कुछ कंपाउंड्स होते हैं जो कि हीट सेंसिटिव होते हैं, आप उनको ड्राई हीट या मोइस्ट हीट नहीं दे सकते, उनको ज़्यादा टेम्परेचर नहीं दे सकते, वो ख़त्म हो जाएंगे, डीनेचर हो जाएंगे, ठीक है। उनके लिए आप किसका इस्तेमाल करते हो, मेम्ब्रेन फिल्टर्स का इस्तेमाल करते हो। वो कौन कौन है, एंटीबायोटिक्स, सीराज, सीरम से रिलेटेड है, ठीक है, के जो प्लाज्मा से, अगर ब्लड प्लाज्मा से हम फाइब्रिनोजन निकाल दें तो बाकी क्या बचता है, सीरम वगैरह बचते हैं, ठीक है, तो सीराज हो गए, हार्मोन्स हो गए और एंटीबायोटिक्स, ये हीट सेंसिटिव कंपाउंड हैं, तो हीट इन हीट के ज़रिए आप इनके जरासीम को नहीं ख़त्म कर सकते, तो फिर इनके जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जो इनको ख़राब कर रहे हैं उनको आप मारने के लिए इनकी स्टेरलाइजेशन के आप क्या इस्तेमाल करोगे, मेम्ब्रेन फिल्टर इस्तेमाल करोगे। क्विकली देख लें क्विकली देख लें, जब भी फिज़िकल मेथड आए तो उसमें फ़िज़िकल एजेंट आपने इस्तेमाल करने होते हैं, वो स्टीम है, ड्राई हीट है, गैस है, फिल्ट्रेशन है और
रेडिएशन है, इन सारी चीज़ों से बैक्टीरिया कंट्रोल हो सकते हैं। आगे स्टरलाइजेशन की तारीफ करनी है कि एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम फिजिकल एजेंट्स को इस्तेमाल करते हैं बैक्टीरिया या माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कंट्रोल करने के लिए, स्टरलाइजेशन कहलाता है। ये क्या होती है, डिस्ट्रक्शन ऑफ ऑल लाइफ फॉर्म होती है। हाई टेम्परेचर जो होता है वो आमतौर पर हम माइक्रोबायोलॉजिकल लैब्स में इस्तेमाल करते हैं ताकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कंट्रोल कर सकें, और उस हाई टेम्परेचर में हम ड्राई हीट भी इस्तेमाल करते हैं, मॉइस्ट हीट भी इस्तेमाल करते हैं। मॉइस्ट हीट क्या करती है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की प्रोटीन की कोएगुलेशन करती है और उनको मारती है, जबकि ड्राई हीट उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अंदर जो केमिकल कंपोनेंट मौजूद हैं उसकी ऑक्सीडेशन कराती है और उनको मार देती है। इसके अलावा कुछ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती हैं जिनकी वेवलेंथ 300 नैनोमीटर से कम होती है, वो भी बड़ी इफेक्टिव होती है माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मारने में। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में से कौन सी वेव ज़्यादातर हम इस्तेमाल करते हैं, रेज, वो हैं गैमा रेज हैं और ज़्यादातर वही इस्तेमाल होती हैं। उसके बाद एंड पे आपने कहा कि हीट सेंसिटिव कंपाउंड के लिए क्या यूज़ करते हैं हम, मेम्ब्रेन फिल्टर, और हीट सेंसिटिव कंपाउंड कौन है, एंटीबायोटिक, सिराज और हार्मोन्स। आगे चलते हैं केमिकल मेथड की तरफ। किसकी तरफ बेटा, केमिकल मेथड की तरफ चलते हैं। वन कैन यूज एंटीसेप्टिक, डिसइनफेक्टेंट एंड कीमोथेरापेटिक एजेंट फॉर माइक्रोबियल कंट्रोल। ठीक है, माइक्रोबियल कंट्रोल के लिए हम एंटीसेप्टिक्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं, डिसइनफेक्टेंट भी इस्तेमाल कर सकते हैं और कीमोथेरापेटिक एजेंट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये सारे केमिकल हैं, लिहाजा ये कंट्रोल क्या कहलाता है, ये मेथड क्या कहलाता है, केमिकल मेथड कहलाता है, जिसमें हम एंटीसेप्टिक यूज़ करेंगे, डिसइनफेक्टेंट यूज़ करेंगे और कीमोथेरापेटिक एजेंट यूज़ करेंगे फॉर माइक्रो ऑर्गेनिज्म कंट्रोल या माइक्रोबियल कंट्रोल। अब ये एंटीसेप्टिक्स क्या हैं, एंटीसेप्टिक्स देखें बेटा मैं आपको बता दूँ कि एंटीसेप्टिक्स केमिकल्स होते हैं, और ये वो केमिकल्स होते हैं जो जरासीम को मारते हैं जानदारों की सतह के ऊपर। ऐसा केमिकल जो जरासीमों को मार दे जानदार की सतह के ऊपर, ठीक है, सपोज़ हमारी ये स्किन है, यहाँ पे जरासीम है, तो इनको मारने के लिए जो केमिकल हम इस्तेमाल करेंगे स्किन के ऊपर या जानदारों की सतह के ऊपर जरासीमों को, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करने के लिए जो केमिकल इस्तेमाल होते हैं उनको क्या बोलते हैं, एंटीसेप्टिक्स। केमिकल सब्सटेंसेस यूज्ड ऑन लिविंग टिश्यूज़, वो केमिकल सब्सटेंसेस जो जानदारों के टिश्यूज़ के ऊपर इस्तेमाल किए जाएं और क्या करें, इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म और माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को क्या कर दें, इनहिबिट कर दें। एंटीसेप्टिक्स के लिए आप ये याद कर लो, लिविंग टिश्यूज़, लिविंग टिश्यूज़, लिविंग टिश्यूज़ और उसके ऊपर, ठीक हो गया। सो केमिकल सब्सटेंसेस यूज्ड ऑन लिविंग टिश्यूज़ that inhibit growth of the microorganism, के वो chemical substances जो आप जानदारों के tissue के ऊपर इस्तेमाल करते हो और जब इस्तेमाल कर लो तो वो क्या करेंगे, microorganism की growth को inhibit करेंगे, ऐसे chemical का नाम है antiseptic। okay, जिस तरह हम बहुत सारी चीज़ें लगा रहे होते हैं ना, ठीक है, एंटीसेप्टिक यूज़ करते हैं और हाथों के ऊपर लगाते हैं ताकि जरासीम क्या हो, उनकी जो ग्रोथ है वो इनहिबिट हो जाए, ठीक है। आगे चलते हैं, डिसइनफेक्शन या डिसइनफेक्टेंट, तो ये भी बेटा केमिकल्स होते हैं, ये भी क्या होते हैं, केमिकल, लेकिन ये नॉन लिविंग चीज़ के ऊपर इस्तेमाल होते हैं। किस चीज़ के ऊपर, नॉन लिविंग, कि ऐसे केमिकल जो नॉन लिविंग चीज़ों के ऊपर जरासीमों को मार दें, नॉन लिविंग चीज़ों के ऊपर जरासीमों को किल कर दें, माइक्रोऑर्गेनिज्म को किल कर दें, ठीक है, उनको क्या कहते हैं, डिसइनफेक्टेंट कहते हैं और इस प्रोसेस को डिसइनफेक्शन कहते हैं। द इम्पॉर्टेंट केमिकल एजेंट यूज फॉर डिसइनफेक्शन आर ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट। बस आपको मैंने कंसेप्ट दे दिया कि ये डिसइनफेक्टेंट एजेंट्स होते हैं वो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स के ऊपर जरासीमों को, माइक्रोऑर्गेनिज्म को किल करते हैं, जबकि एंटीसेप्टिक लिविंग सरफेस के ऊपर, लिविंग टिश्यू के ऊपर जरासीमों को किल करती है। लिविंग सरफेस के ऊपर माइक्रोऑर्गेनिज्म को किल करते हैं, जबकि नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स के ऊपर माइक्रोऑर्गेनिज्म को किल करते हैं, वो क्या कहलाते हैं, डिसइनफेक्टेंट, और प्रोसेस क्या कहलाता है, डिसइनफेक्शन। अब इस डिसइनफेक्शन के लिए हम क्या क्या इस्तेमाल करेंगे, बेजान चीज़ों के ऊपर माइक्रोऑर्गेनिज्म को मारने के लिए हम क्या क्या इस्तेमाल करेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी इस्तेमाल कर सकते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट्स भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। कौन कौन है, हैलोजेंस एंड फिनोल, हैलोजेंस एंड फिनोल, हाइड्रोजन परऑक्साइड, पोटाशियम परमैंगनेट, अल्कोहल एंड फॉर्मल्डिहाइड,
ठीक है, ये सारे किसकी मिसालें हैं, ये सारे डिसइंफेक्टेंट की मिसालें हैं। क्या करते हैं, इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ द वेजिटेटिव सेल, इससे मुराद आप माइक्रो ऑर्गेनिज्म लो, कि दे इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड आर यूज्ड ऑन नॉन लिविंग मटेरियल। ये भी मैंने मेन बताया था, नॉन लिविंग डिसइंफेक्टेंट नॉन लिविंग मटेरियल के ऊपर इस्तेमाल होते हैं, किसकी ग्रोथ को रोकने के लिए, इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वेजिटेटस एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपने मुराद लेना है। ठीक है, तो आपने डिसइंफेक्टेंट के बारे में आपने क्या कहा, आपने कहा कि ये वो केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं जो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स के ऊपर जरासीमों को किल करते हैं। द इम्पॉर्टेंट केमिकल एजेंट यूज फॉर डिसइंफेक्शन आर ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट, एग्जाम्पल्स इनकी हैलोजन्स, फिनोल्स, हाइड्रोजन परऑक्साइड, पोटाशियम पर मैगनेट, अल्कोहल एंड फार्मल डीहाइड। ये इम्पॉर्टेंट ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग डिसइंफेक्टेंट हैं। क्या करेंगे, इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ द वेजिटेटिव सेल्स एंड दे आर यूज्ड ऑन नॉन लिविंग मटेरियल। ये आपने इनको देखा। आगे चलते हैं केमिकल कंट्रोल में, कीमोथेरापेटिक एजेंट्स देखते हैं। कीमोथेरापेटिक एजेंट्स एंड एंटीबायोटिक्स वर्क विद नेचुरल डिफेंस एंड स्टॉप द ग्रोथ ऑफ द बैक्टीरिया एंड अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म और माइक्रोब। जो कीमोथेरापेटिक एजेंट्स होते हैं और एंटीबायोटिक्स होती हैं, कीमोथेरापेटिक एजेंट्स और एंटीबायोटिक्स, ये क्या करती हैं, वर्क विद नेचुरल डिफेंस, ये हमारे जो कुदरती मुदाफती निज़ाम है, जो हमारा डिफेंस सिस्टम है, हमारा जो इम्यून सिस्टम है, ये उसके साथ मिलके काम करते हैं। कीमोथेरापेटिक एजेंट्स और एंटीबायोटिक्स ये हमारे नेचुरल डिफेंस सिस्टम के साथ मिलके काम करते हैं, और मिलके काम करके क्या करते हैं, स्टॉप द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया एंड अदर माइक्रोब्स। दीज आर सल्फोनामाइड। अब कीमोथेरापेटिक एजेंट्स में कौन कौन है और एंटीबायोटिक्स में कौन कौन है, सल्फोनामाइड है, टेट्रासाइक्लिन है, पेंसिलिन है, एट्सेट्रा। क्या करते हैं, दे डिस्ट्रॉय और इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन लिविंग टिश्यूज़। ठीक है, ये वो केमिकल हैं जो कि क्या करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को इनहिबिट करते हैं, किधर, इन लिविंग टिश्यूज, जानदारों के टिश्यू के अंदर जाके, जानदारों के टिश्यू के अंदर जाके। सो जानदारों के अंदर जाके अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को इनहिबिट करें तो कीमोथेरापेटिक एजेंट और एंटीबायोटिक्स हैं। अगर नॉन लिविंग मटेरियल के ऊपर वेजिटेटिव सेल या माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को इनहिबिट करें तो डिसइंफेक्टेंट है। अगर लिविंग सरफेस के ऊपर ऑन लिविंग टिश्यूज, ऑन नॉट इन, ऑन लिविंग टिश्यू अप्लाई हो तो वो एंटीसेप्टिक्स हैं। ओके बेटा, अब ये देखें, माइक्रोबाइसिडल इफेक्ट, एक इफेक्ट होता है माइक्रोबाइसिडल इफेक्ट और दूसरा होता है माइक्रोबायोस्टेटिक, ठीक है, इफेक्ट। सिडल का मतलब होता है मार देना, किल करना, सिडल किल करना। सो माइक्रोबायोसिडल इफेक्ट इज वन दैट किल द माइक्रोब्स इमीडिएटली, वो इफेक्ट जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को फौरी तौर पर क्या करता है, मार देता है। सो माइक्रोबायोसिडल, सिडल का मतलब किल करना है, ठीक है। जिस तरह आपने एंटीबायोटिक्स पढ़ी थी, एक थी बैक्टीरियोस्टेटिक और एक बैक्टीरियोसिडल एंटीबायोटिक, ठीक है, इसी तरह सुइसाइड होता है, होमिसाइड होता है, सुइसाइड का मतलब खुद को मारना, होमिसाइड एक दूसरे बंदे का, दूसरे को मारना। सो सिडल जहाँ पे लफ्ज आए तो उसका मतलब होता है किल करना। माइक्रोबायोसिडल इफेक्ट इज़ वन दैट किल द माइक्रोब्स इमीडिएटली, वो इफेक्ट जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को इमीडिएटली किल करता है उसको माइक्रोबायोसिडल कहते हैं, जबकि माइक्रोबायोस्टेटिक क्या है, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को इनहिबिट करता है। सो दिस इफेक्ट इनहिबिट्स द रिप्रोडक्टिव कैपेसिटीज ऑफ द सेल्स, ये वाला जो इफेक्ट है ये सेल्स की जो रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी होती है उसको क्या करता है, रोक देता है, ग्रोथ को रोकता है। एंड मेंटेन माइक्रोबियल पॉपुलेशन एट कॉन्स्टेंट रेट, सो ग्रोथ को ये रोक लेता है, ग्रोथ को रोकता है, रिप्रोडक्टिव करेक्टरिस्टिक्स को, रिप्रोडक्टिव कैपेसिटीज को रोक देता है, लिहाजा माइक्रो ऑर्गेनिज्म की जो पॉपुलेशन है वो क्या रहती है, कॉन्स्टेंट रहती है। आगे मोड्स ऑफ एक्शन ऑफ डिफरेंट केमिकल एंड फिजिकल एजेंट्स ऑफ द कंट्रोल वेरी, तो जो फिजिकल एजेंट थे उनका भी काम करने का तरीका अपना है और जो केमिकल्स होते हैं उनके भी काम करने का तरीका अपना है। मिसाल के तौर पर फिजिकल एजेंट में आपने मोइस्ट हीट को देखा था, मोइस्ट हीट किस तरह काम करती थी, वो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है उसकी प्रोटीन को कोगुलेट करती थी। इस तरह जो ड्राई हीट थी, ड्राई हीट क्या करती थी, ड्राई हीट जो थी वो ऑक्सीडेशन करवा देती थी केमिकल कंपोनेंट्स की।
तो इसी तरह जो केमिकल में है सेफलोस्पोरिन है, टेट्रासाइक्लिन है, या आपके सल्फोनामाइड ड्रग है, उनका भी काम करने का तरीका अपना है। कोई सलवाल के सिंथेसिस को रोकता है, कोई प्रोटीन की तैयारी को रोकता है, कोई फोलिक एसिड की तैयारी को रोकते हैं। सो जो केमिकल और फिजिकल एजेंट का मोड ऑफ एक्शन है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, वो सबका डिफरेंट है। डैमेज कैन रिजल्ट इन द मैल फंक्शन इन द सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्मिक एंजाइम और न्यूक्लिक एसिड्स। डैमेज कैन रिजल्ट इन, तो उसने कहा डैमेज पहुंचाएंगे, ये जो केमिकल एजेंट है या फिजिकल एजेंट है, ये डैमेज पहुंचाएंगे, किस किस चीज़ को डैमेज पहुंचा सकते हैं? मेल फंक्शन इन द सेल वॉल, सेल वॉल के काम को ख़राब कर सकते हैं, सेल मेम्ब्रेन के काम को मेल फंक्शन कर सकते हैं, यानी कि सेल वॉल में कोई ख़राबी लेके आ सकते हैं ये एजेंट्स, सेल मेम्ब्रेन में कोई ख़राबी लेके आ सकते हैं, साइटोप्लाज्म के जो एंजाइम्स होते हैं उसमें कोई मेल फंक्शन करेंगे, या जो न्यूक्लिक एसिड डीएनए और आरएनए होते हैं उनमें भी मेल फंक्शनिंग कर सकते हैं। सो फिज़िकल एजेंट्स और केमिकल एजेंट के जो काम करने के तरीके हैं वो मुख्तलिफ होते हैं। कोई सेल वॉल में मेल फंक्शन करवा देता है, कोई सेल मेम्ब्रेन में, कोई साइटोप्लाज्मिक एंजाइम्स में, और कोई न्यूक्लिक एसिड्स में। ये बेटा आज आपका टॉपिक था कंट्रोल ऑफ बैक्टीरिया। अल्लाह हाफिज़।